इंदौर शहर में लगातार हो रही हल्की बारिश का दौर गुरुवार आधी रात को बदला और कुछ हिस्सों में जोरदार बारिश शुरू हो गई। बादल गरजने के साथ ही लगातार बिजली भी चमकती रही, फिर कुछ ही देर बाद झमाझम बारिश शुरू हो गई, जो शुक्रवार सुबह तक होती रही। बारिश से शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए। सुबह लोगों को अपने घर से निकलने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इंदौर में 24 घंटे में करीब 3 इंच और अब तक कुल 19 इंच बारिश हो चुकी है। बारिश से शहर की कई सड़कें व क्षेत्रों में पानी भर गया। मौसम वैज्ञानिकों ने शुक्रवार को दोपहर के बाद सामान्य बारिश के आसार जताए हैं। वहीं इंदौर में भारी वर्षा को देखते हुए कलेक्टर डॉ. इलैया राजा टी ने सभी विद्यालयों में शुक्रवार को अवकाश घोषित कर दिया है। साथ ही स्कूल संचालकों को विद्यार्थियों की सुरक्षा के संबंध में एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। और कल रात में ना मतलब ना काफी तेज बारिश ना हुआ है, तो उसको ध्यान में रखते हुए डिसीजन लिया है, बट अभी तो ना जैसे वेदर प्रेडिक्शन है उस हिसाब से। इंदौर में हुई इस बारिश ने नगर निगम और प्रशासन के तमाम दावों की पोल खोल कर रख दी है।